दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा अच्छे जिंदगी के दरवाजे खोलती है और बुरे कामों से बचाती है। भारत प्राचीन काल से शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में दुनिया के कोने कोने से छात्र भारत में शिक्षा लेने के लिए आते थे। भारत में कई विश्वगुरु ने जन्म लिया है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आचार्य चाणक्य और बहुत कुछ। तो आज हम देखेंगे एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिसे अपनी शिक्षा के लिए पाकिस्तान से भी धमकी आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पटना के खान सर के बारे में। कहते कि अगर खान सर जैसा टीचर हर स्कूल में हो तो कोई भी स्टूडेंट स्कूल छोड़ ही नहीं सकता। खान सर के नाम के बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। कई लोगों को लगता है कि उनका नाम फैजल खान है, तो कई लोगों को लगता है उनका नाम अमित सिंह है। आज हम देखेंगे खान सर की लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, हमारे तीनों सेनाओं के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं। हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। दोस्तों खान सर का जन्म दिसंबर 1993 में भाटपर रानी गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में। उनके गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। खान सर बताते हैं कि जब वो 8वीं कक्षा में थे तब उन्हें देशभक्ति का बहुत ही बुझ चढ़ गया था, इसलिए उन्होंने सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक परीक्षा भी दी, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। मगर उन्होंने 10वीं के बाद NCC ज्वाइन कर ली, ताकि वो आर्मी को गहराई से समझ सके। आर्मी में देश की रक्षा करना ये उनका सपना बन चुका था। उन्होंने अपने कॉलेज में NDA की परीक्षा दी। उन्होंने NDA की परीक्षा पास तो कर दी, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए, ताकि उनके हाथ सीधे नहीं थे बल्कि टेढ़े थे। इसके बाद वो इलाहाबाद शिफ्ट हो गए और उन्होंने इलाहाबाद में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। खान सर बताते हैं कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इस दौर में उनके दोस्तों ने उनकी बहुत बड़ी मदद की। उनके दोस्तों ने अपने पॉकेट मनी से बचे हुए पैसे खान सर को दिया करते थे, ताकि वो अपना घर चला सके। खान सर ने जब पटना में कोचिंग सेंटर शुरू किया था तब उनके पास सिर्फ 6 बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन उनके पढ़ाने के स्टाइल की वजह से वो बहुत ही कम समय में बहुत ही मशहूर हो गए। खान सर सिर्फ गरीब बच्चे या जो बच्चे बड़े बड़े ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, बस उनको ही पढ़ाते। खान सर को एक बार अनअकैडमी की तरफ से 100 करोड़ का ऑफर आया था, लेकिन खान सर ने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि गरीब बच्चे अनअकैडमी की महंगी मेंबरशिप नहीं ले सकते। खान सर युवा वर्ग में बहुत ही फेमस हैं। उनके क्लास में एक टाइम पर 2000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आया करते हैं, और पूरे भारत भर में ऑनलाइन ये आंकड़ा 70 से 80 लाख तक है। खान सर इतने फेमस है कि उनके यूट्यूब पर 17 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और उनका चैनल दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल एजुकेशन चैनल है। दोस्तों आपने खान सर के वीडियो में देखा ही होगा कि वो पाकिस्तान और चाइना को कितना रोस्ट करते, इसलिए उनको कई बार पाकिस्तान से धमकियाँ भी आया करती है। लेकिन खान सर कहाँ डरने वालों में से। अगर आप भी खान सर के फ़ैन हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक बच्चे तक खान सर की ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।